प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में जब नए डिस्ट्रिक्ट के लिए कमेटी बनेगी तो जम्मू संभाग के साथ पूरा इंसाफ होगा। पिछली बार जब जिलों का पुनर्गठन हुआ था तो हमारी सरकार नहीं थी, ना केंद्र में और ना ही प्रदेश में। डोडा के भद्रवाह को जिला बनाने की लोगों की मांग पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विचार रखे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कार्यशाला में डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि भद्रवाह को जिला बनाने की मांग को मैं नकार नहीं रहा हूं। जिलों के पुनर्गठन कमेटी बनेगी, भद्रवाह को जिला बनाने की मांग को पूरा किया जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला को बचाकर एक बार फिर अपने समर्पण और बहादुरी का परिचय दिया है। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक इमरजेंसी कॉल आई थी जिसमें बताया गया कि एक महिला की हालत गंभीर है। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल सहायता के लिए भारी बर्फबारी के कारण बंद सड़कों के होने के बावजूद समय पर महिला के घर पहुंचे। सेना 2 से 3 फीट बर्फ पर 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर वहां पहुंची। वहीं पुलिस पीएचसी विलगाम में पहले से ही मौजूद थी। महिला को सावधानी पूर्वक निकाल पीएचसी विलगाम पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स पहले से मौजूद थे। डॉक्टरों ने तुरंत देखभाल की जिसमें मां और बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जम्मू कश्मीर में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग 1,55,000 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाएगा। इस मुहिम में ऐसे लेबर्स को लाभ मिलेगा जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने श्रम विभाग के श्रमिकों का ब्यौरा ले लिया है। इन श्रमिकों के राशन कार्ड अब शिविरों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में स्थानीय और अन्य राज्यों से आए श्रमिक काम कर रहे हैं। ये वो श्रमिक हैं जो काम तो करते हैं लेकिन सरकारी राशन से वंचित रहते हैं। जेके एसएसबी ने गृह विभाग में आरक्षित पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 34 उम्मीदवारों ने मेडिकल करवाना था और 35 उम्मीदवारों ने अपीलेट मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करनी थी। इस मामले को बोर्ड ने 226वीं बैठक में रखा और व्यापक विचार विमर्श के बाद आरक्षित पदों को भरने का फैसला किया गया। उम्मीदवारों की संतुष्टि वाली मेडिकल रिपोर्ट आने और दस्तावेज आने के बाद बोर्ड ने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। रामबन जिले के शेरबीबी और किश्तवाड़ी पाथर इलाके में सड़कों की आंशिक बहाली के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही जारी है। ट्रैफिक विभाग ने ये जानकारी देते हुए कहा कि फंसे हुए वाहनों को नियमित तरीके से निकाला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि रामसू और बनिहाल के बीच बर्फबारी हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश जारी है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि कृपया यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राजमार्ग की लेटेस्ट स्थिति की जांच करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने 11,600 करोड़ रुपए के परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि आज देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजना का अनावरण किया है उससे न केवल पूर्वोत्तर बल्कि शेष दक्षिण एशिया में भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो लोग सत्ता में आए उन्हें अपनी संस्कृति पर शर्म महसूस हुई। सत्ता में बैठे लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में असम में शांति लौटी है। जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 8 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए अगले 24 घंटों के दौरान बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ और रामबन के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। जेकेडीएमए ने कहा हिमस्खलन की संभावना है, लोगों से सावधानी बरतने और उन क्षेत्रों में जाने से बचने का आग्रह किया जहां हिमस्खलन का खतरा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के प्रदेश अध्यक्ष पनाक्कड़ सैयद सादिकल अली शिहाब थंगल अपने हालिया बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं।
दरअसल उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि नया मंदिर और प्रस्तावित मस्जिद दोनों ही देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करेंगे। IUML एक ताकतवर सियासी दल है। वहीं इंडियन नेशनल लीग ने IUML के नेता के बयान की आलोचना की, तो वहीं कांग्रेस ने IUML के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो भी अभियान और समाज को बांटने के प्रयासों को रोकने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांच की स्थिति पर पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम को जीत के लिए अभी भी 332 रन की जरूरत है। भारत ने 399 रन का टारगेट रखा था। चौथे दिन यानी आज इंग्लैंड की आक्रामक शैली, जिसे बेसबॉल भी कहा जाता है, उसके और भारतीय स्पिनरों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है।